बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी का परिवार एक राजनीतिक घराना है जो कि अक्सर सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर लालू फैमिली चर्चा के केंद्र में है। मामला राजद सुप्रीमो के सालिया और राबड़ी देवी के भाई साधु यादव की बेटी की शादी से जुड़ा है। इस शादी में बीजेपी तो मुस्तैद दिखी ही, पर लालू परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ। आइए बताते हैं कि ऐसा क्यों। बीते 12 दिसंबर को लालू राबड़ी के चहेते पूर्व सांसद साधु यादव की बेटी की शादी हुई। धूमधाम से शाही अंदाज में आयोजित विवाह समारोह में कई राजनीतिक हस्तियों ने भाग लिया। बीजेपी के कई नेता साधु यादव की बेटी की शादी के मौके पर मुस्तैद दिखे। केंद्रीय मंत्री और फायर ब्रांड गिरिराज सिंह भी शादी में शामिल हुए। उनके अलावा लालू यादव के कभी हनुमान कहे जाने वाले सांसद रामकृपाल यादव और सांसद रामा देवी भी शादी में पहुंचे और वर वधु को आशीर्वाद दिया। लेकिन इस शादी समारोह में इस बात की चर्चा रही कि लालू यादव और उनके परिवार का कोई सदस्य शादी में शामिल क्यों नहीं हुआ। खुद राबड़ी देवी भी भतीजी को आशीर्वाद देने के लिए नहीं आई। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भी शादी से दूर रहे। लोगों का कहना है कि दोनों परिवारों में दूरी इतनी बढ़ गई है कि शादी समारोह जैसे मौके पर भी एक दूसरे के साथ वो नहीं दिखते। बताया गया कि साधु यादव की पहली बेटी की शादी में भी लालू परिवार से कोई नहीं गया। लालू यादव और साधु यादव के बीच जारी खटास के बारे में बताया जाता है कि 2009 में साधु यादव ने अपने बहन बहनोई से बगावत कर दी थी। लोकसभा चुनाव में साधु यादव को राजद से टिकट नहीं मिला तो वो कांग्रेस में चले गए। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत सके। इतना ही नहीं, 2015 में विधानसभा चुनाव में साधु यादव पप्पू यादव की पार्टी में शामिल हो गए। इन्हीं वजह के चलते ये रिश्ते और बिगड़ते चले गए। पिछले दिनों तेजस्वी यादव की शादी में नहीं बुलाने पर साधु यादव ने काफी बवाल किया था। उन्होंने तेजस्वी की शादी पर भी सवाल खड़े किए थे। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने अपने मामा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लालू परिवार और राजद की विरोधी बीजेपी से साधु यादव की नजदीकियों के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं।